इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले आज के एनएक्सटी के 2.0 के सेकंड शो के बारे में। इस शो के ऊपर हमें नए एनएक्सटी चैंपियन दिखा दिए, नया क्रूजर वेट चैंपियन भी शो पर क्राउड हो चुके हैं और चैंपा के लिए क्या नेक्स्ट होने वाला ये भी चीज़ हमें दिखाई दी। तो पूरे शो को रिव्यू करने वाले, तो वीडियो एकदम इंटरेस्टिंग होने वाली, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को हम लोग देर नहीं करते, सबसे पहले नए एनएक्सटी चैंपियन आते हैं और फिर एनएक्सटी के जो नए चेहरे हैं वो यहाँ पर आ रहे होते रिंग में। और टोमासो चैंपा कहते हैं कि ऐसे एनएक्सटी का नया रिनव शुरू हो चुका है, न्यू एरा हो चुका है, 2.0 बिगिन। और यहाँ पर जो है सारे के सारे मेंबर्स हैं और मैं बहुत दिनों के बाद एनएक्सटी चैंपियन बन चुका हूँ। और जो है टोमासो चैंपा के पास से अब उनकी चैंपियनशिप, उसके बाद हमें क्या थिंग दिखा देती कि उनको इंटरप्ट करने के लिए यहाँ पर से एंटर होते हैं वो होते हैं कैमरन ग्राइस। कैमरन ग्राइस कहते हैं कि मुझे चैंपियनशिप को जो है मून तक लेके जाना है और मुझे ये चैंपियनशिप। उसके बाद एले नाइट आते हैं, एले नाइट भी वही सेम बातें करते कि उनको चाहिए टाइटल शॉट। पीट डन एंड रेजी हॉनल आ जाते हैं, वो भी टाइटल शॉट की डिमांड करते हैं, लेकिन रिंग के अंदर होती सभी के बीच आपस में जो है प्रातः फ्री और भाई पीट डन और जो है सारे के सारे बंदे लड़ते हैं और भाई एंडिंग के अंदर जो स्टैंटल होता है वो मिलता है टोमासो चैंपा। एंड यहाँ पर से जो है हमें थिंग दिखा देती है और भाई एंडिंग के अंदर टोमासो चैंपा एंड गाइस हमें जो है ब्रेकर स्टैंडल करते और पीट डन और रेजी हॉनल वापस से हमें निकलते हुए दिखा देते हैं। और खैर इसके बाद हमें मेन इवेंट के लिए टैग टीम मैच ऑफिशियल होता हुआ दिखा देता है। उसके बाद शो के ऊपर आता है रॉडरिक स्ट्रॉन्ग वर्सेस कुशीडा के बीच एनएक्सटी क्रूजर वेट्स चैंपियनशिप के लिए मैच, जो कि पहले से ऑफिशियल था। और शॉकिंगली सरप्राइजली एंडिंग के अंदर अपने जो है रॉडरिक स्ट्रॉन्ग ऐसे ऐसे बन जाते हैं नए एनएक्सटी के क्रूजर वेट चैंपियन, जो कि बहुत तगड़ी चीज थी और वो इस मैच के अंदर जीत जाते हैं। और ये मैंने एक्सपेक्ट भी किया था कि हो सकता है नए चैंपियन। उसके बाद सभी को जो है अपने टीम के साथ सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हमें जो एनएक्सटी का नया चेहरा दिखाई देता है जो कि आने वाला है रॉडरिक स्ट्रॉन्ग की एनएक्सटी नॉर्थ एनएक्सटी क्रूजर वेट चैंपियनशिप के लिए। तो ये चीज़ थी। खैर उसके बाद बॉलरों का कुछ नाम था, उसके बाद शो के ऊपर दिखा देता है वो दिखा देता है केली रे का मैच और भाई मेलर का ऐसा कुछ नाम होता है उसमें एनएक्सटी में सुपरस्टार का। और मैच के एंडिंग के अंदर जो केली रे है वो हमें इस मैच के अंदर हमें जीते हुए दिखाई देती है। उसके बाद शो के ऊपर आता है डेंटी चेन वर्सेस ट्रेप बैक्स्टर के बीच मैच और भाई ट्रे बैक्स्टर इस मैच के अंदर हमें हारते हुए दिखा देते हैं। उसके बाद जो थिंग दिखा देती है वो होती है जिस बार का जोई गैसी का एक प्रोमो सेगमेंट, जोई गैसी भी एक नया चेहरा है, वो बात कर रहे थे कैमरन ग्राइंस के बारे में। ये पहले ही जो है एयर ऑन जब हो रहा था तभी इनके बीच बातचीत चल रही थी। कैमरन ग्राइंस आ जाते हैं और भाई कैमरन ग्राइंस वर्सेस होता है जोई गैसी के बीच मैच। और मैच के एंडिंग के अंदर जो जोई गैसी वो हार जाते हैं और भाई इस मैच के अंदर जो कैमरन ग्राइस है वो हमें जो है जीतते हुए नजर आते हैं। इसके बाद शो के ऊपर आते हैं सेंटा जिसको बार की टीम के मेंबर का मैच जहाँ पर जो है एक्लिना लोसे ऐसा कुछ का नाम है जो कि एना शेयर को फेस करते हैं और फिर इस मैच के अंदर हमें हराती हुई नजर आती है एना को। उसके बाद जो हमें थिंग दिखा देती कि जो है सेंटा जो इसके बारे में जो है नाम वगैरह इंट्रोड्यूस करते हैं, उनकी जो बड़ाइया कर रहे होते हैं। और उसके बाद जो है हिट्रॉज आ जाते हैं और उनके भी जो वेमेन सुपरस्टार उनके हमें ब्रॉल दिखा देती है। और क्या यहाँ पर जो है दोनों अपनी टीम के लिए यहाँ पर से सेव होते हुए हमें दिखा देते हैं। इसके बाद हमें क्या दिखा देता है शो के ऊपर वो की होता है कि ओवेस जॉनसन का एक हैंडीकैप है जहाँ पर कैरी मिलान एंड ड्रेन छेप्टा ऐसा कुछ उनका नाम होता है। कैरी नैच है एनएक्सटी के अंदर, इनके नाम थोड़े बहुत अजीब है, लेकिन कैरी 2-on-1 हैंडीकैप मैच होता है। और मैच के एंडिंग के अंदर ओवेस जॉन्स हमें जो है मैच के अंदर जीतते हुए दिखा देते हैं। उसके बाद शो के ऊपर आता है वो आता है इस बार का जहाँ पर से टॉक्सिस एंड जो एम्बर मून की जो टीम है पूरी की पूरी सॉरी मैंडेरोस की वो यहाँ पर होती है और भाई वो जो एड्रेस करती है फैंस को उनकी क्या क्लियर अटेंशन होने वाली है और वो आने वाली है वेमेंस टैग टीम टाइटल्स के लिए। और भाई यहाँ बस से ये फिलहाल मैंडेरोस हमें स्टेटमेंट मेड करते हुए दिखाई देती है। और उसके बाद खैर हमें शो का मेन इवेंट दिखाई देता है जहाँ पर हो रहा होता है टोमासो चैंपा ब्रॉन बेकर वर्सेस पीटन एंड रिची हॉनल के बीच मैच। और इस पूरे के पूरे मैच के अंदर काफ़ी अच्छा मैच होता है, पहले से ही मैच ओपनर के अंदर था, डब्ल्यू ने इसको मेन इवेंट में डाला था। और मैच के एंडिंग के अंदर जो इस पर फेस टीम है इनकी पीटा अपने जो मैच के अंदर जो टोमासो चैंपा एंड बेकर की टीम जीत जाती है। लेकिन जीतने के बाद यहाँ पर से हमें थिंग दिखा देती कि जो काइल ओ'रायली है वो आ जाते हैं रेजी हॉनल के ऊपर अटैक कर लेते हैं और मैच के अंदर जो जीत जाते हैं टोमासो चैंपा की टीम। और उसके बाद जो टोमासो चैंपा की जो चैंपियनशिप है उसको देखते हैं बेकर। तो वेरी ये बड़ी इंटरेक्शन होने वाली आगे एनएक्सटी के लेकर और भी आने वाले एनएक्सटी चैंपियनशिप के लिए नेक्स्ट। तो भाई आपके सबसे क्या होनी चाहिए एनएक्सटी के लिए डायरेक्शन आप मुझे बताना कमेंट्स के अंदर। लेकिन आज के हमारी ये वाली वीडियो बस यही तक थी। वीडियो पसंद है तो वीडियो कर सकते हो, लाइक कर सकते हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ताकि आपको हमारी पहली नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज की वीडियो बस इतनी, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।